देश नहीं, मैं तो पीछे पूरी दुनिया। देखिए, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना रही है। मैं अपनी ओर से झारखंड हूँ। सनातनी हिंदू सभ्यता के पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र जब अपने चरम पर था, तभी भगवान विष्णु के अवतार मामा कंस के द्वारा कारागार में बंदी नाता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। पिता वासुदेव अवतार जन्म के तुरंत बाद भगवान की लीला के अनुसार उसी अर्धरात्रि भारी मूसलाधार बारिश के बीच जन्माष्टमी मथुरा के कारागार से गोकुल में नंदराज के पास कान्हा के प्राणों की रक्षा हेतु तत्काल जन्मे दूध मुहे बच्चे को छोड़ आए थे। यह पूरी लीला अपने आप में अब तक के लिए अद्भुत और प्रेरणादायक है। वहीं सनातनी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष तौर पर श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा, गोकुल, वृंदावन सहित पूरा देश प्रकृति की कंप्लीट मैन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही है। इसी के तहत तो राजधानी रांची भी जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव पूर्ण वातावरण में मनाया गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धूम राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में विशेष तौर पर देखी गई। मंदिरों में देर रात जन्मोत्सव को लेकर पूजा अर्चना की गई एवं भजनों की प्रस्तुति भी की गई। वहीं कई सार्वजनिक स्थानों पर भी इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से राजधानी रांची के मुख्य मार्ग अल्बर्टिका चौक में सोमवार को 2 दिवसीय होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज गणेश स्तुति के साथ किया गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता, श्री कृष्ण बाल रूप झांकी, द्वारकाधीश रूप झांकी, कालिया नाग मंथन झांकी, पापा मंदिर सहित कारगिल युद्ध की झांकी प्रदर्शित की गई। देखिए, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना रही है। मैं अपनी ओर से झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन पर्व पर। पिछले 14 साल से जन्माष्टमी का पावन पर्व दही हांडी प्रतियोगिता और नमो भजन संध्या का आयोजन होता है और एक दिन पहले राधा कृष्ण जो रूप बन के आते हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे, कोई राधा कोई कृष्ण बन के आते हैं, उनको पुरस्कार। और आप देखो ये झांकी, देश ने अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष मनाया, आज उसी का रूप ये सेना को, ऐसी वीर सेना को सुपुर्द है ये कारगिल विजय का यह दृश्य। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। ये झांकी अद्भुत झांकी है। आज झांकी का उद्घाटन हुआ और कल दही हांडी प्रतियोगिता, जहाँ महिला गोविंदा, जहाँ पुरुष गोविंदा, पुरुष गोविंदा की जो टीम होगी 25 फीट ऊपर दही हांडी की है, उसको नारियल से उस पर रखा है, उसे फोड़ना है। 1 लाख का प्रथम पुरस्कार है, फिर 51,000 का पुरस्कार है। महिला गोविंदा जो होंगी उनको 51,000 का पुरस्कार है। अद्भुत दृश्य होता है दही हांडी फोड़ने का, ये माखन जो है लड्डू गोपाल का। और आज जो भगवान का भोग लग रहा है, 51 KG का जो हमारा मोटा अनाज मिलेट्स है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को पूरी दुनिया ने मोटा अनाज वर्ष मनाया, मिलेट वर्ष, आज भी पिछले साल भी हम लोगों ने मिलेट्स का भोग लगाया था, आज भी मिलेट्स का ही 51 किलो का भगवान का भोग लग रहा है। कल का दृश्य अद्भुत होगा। कल महामहिम राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि, हमने कहा था ना कि इस बार देश कारगिल का 25वां वर्ष मना रहा है और इसीलिए इस बार थीम कारगिल विजय दिवस ही रखा गया। तो जहां भगवान श्री कृष्ण और वही दूसरी ओर फौज को ये समर्पित दिखा के श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में विगत 13 सालों से दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन अल्बर्टिका चौक के प्रांगण में होता है और प्रत्येक वर्ष ये बढ़ता जा रहा है।
हम लोगों ने शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे और भी जगह ये होने लगा है। एक अच्छी बात है क्योंकि हम सब सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म में हम अपनी जो धार्मिक आस्था है और संस्कृति है उसको भूले नहीं, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया है और यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा जन सैलाब रहेगा इस मेन रोड में, तो मैं यही कहूँगा कि लोगों का उत्साह होता है और इसीलिए यह कारवां जो प्रारंभ हुआ है ये आगे कभी रुकने वाला नहीं है क्योंकि आगे और भी विशाल होता है। ये बिल्कुल आती है, टोलियां आती है और हम लोग हर साल प्राइज की राशि भी बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार प्रथम प्राइज पुरुषों में 1,00,000 रुपए का हम लोगों ने रखा है। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों को साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन मेन रोड में होगा। तो ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक आयोजन करती है। भगवान की कृपा से आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ कि यह आयोजन हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तो लगा नहीं था कि इतना लोगों में उत्साह होगा, लेकिन आज ऐसा उत्साह का वातावरण है कि हर लोग सोचता है कि हम लोग इसमें शामिल हैं। जन्माष्टमी बहुत ज्यादा मतलब क्राउडेड है, बहुत ज्यादा ही क्राउडेड है और हमें तो शौक से ही मतलब है क्योंकि लोगों को जितना प्यार मिलेगा उतना ही हम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत लोग हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए, हमारे साथ पार्वती जी है, राधा जी, श्री कृष्ण जी है। जन्माष्टमी का ये जो अवसर है 2024 में बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले भी आ चुके हैं हम लोग और 2 साल बाद ये जो मौका मिला दोबारा करने के लिए, स्पेशली रांची में बहुत सुंदर तरीके से बड़े तरीके से मनाया जाता है और यही चीज जो है जो हमारी आंटी बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह उल्लास भाती और इतने खुशहाल हम देख सकते हैं, इतने क्राउड के साथ हम सभी कलाकार आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब पूरे पब्लिक का प्यार मिल रहा है यहाँ पे, हम इस मंच पे आ चुके हैं और सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। हमारे कलाकार है और इधर शंकर भगवान है, राधा कृष्ण सब कुछ है हम लोग, और बहुत मजा आ रहा है। हर साल कर रही हूँ, 2012 से कर रही हूँ तो इस बार तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। आयोजन समिति के तमाम सदस्य के मिल जाएं, सभी हमारे नजदीक आ जाएं।